नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आप अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए, बेल आइकन बटन जरूर दबाए, क्योंकि मेरा नया रेसिपी आपको पहले मिल सके। आइए आज हम बनाएंगे ब्रेड। ब्रेड के लिए ये सब सामग्री चाहिए। पहले हमको चाहिए मैदा। मैंने लिया है 2 कप मैदा, ये 250 ग्राम मैदा, 1/4 ग्लास पानी, पीसी चीनी 2 चम्मच, नमक आधा चम्मच, 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल और ईस्ट। अब हम ये मैदा में एक चम्मच ईस्ट डाल देंगे। नमक, पीसी चीनी, और इसको अच्छा से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें पानी डालेंगे। अब हम इसमें हल्का गरम तेल डालकर अच्छे से गूंथ लेंगे। अब अच्छा से मिक्स हो जाए। अब हम इसको ढककर 2 घंटा के लिए रख देंगे। ये देखिए मैदा अच्छा से फूल चुका है। अब हम इसको गूंथ लेंगे। हाथ में थोड़ा सा तेल लगा देंगे। हाथ थोड़ा सा मैदा भी डाल देंगे। ये अच्छा से गुन चुका है। ये ब्रेड ट्रे में तेल लगा देंगे। ऊपर ढक्कन में भी तेल लगा देंगे। अब हम ये मैदा इसमें रख देंगे। हाथ में थोड़ा सा लगा कर इसको
ये अच्छा से सेट हो चुके हैं। अब हम इसको आधा घंटा के लिए फूलने के लिए रख देंगे, ढक्कन भी बंद कर देंगे। 1 घंटा हो चुका है, अब हम चेक करेंगे। ब्रेड का ट्रे से खोल देंगे, ये देखिए ब्रेड अच्छा से फूल चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा तेल लगा देंगे। इसका ढक्कन लगा। अब हम इसको कढ़ाई में बेक करेंगे। मैंने गैस के ऊपर एक कढ़ाई रख दिया है। कढ़ाई में मैं एक कटोरी बालू डाल दिया है। बालू के बदले आप नमक ले सकते हैं। अब हम इसका अंदर एक स्टैंड रखेंगे और इसको ढक देंगे और फ्लेम हाई कर देंगे। बालू गर्म होने तक हम वेट करेंगे। 5-6 मिनट हो चुका, बालू अच्छा से गर्म हो चुका है। अब हम ब्रेड को इसमें रख देंगे और इसको ढक देंगे। फ्लेम मीडियम रखेंगे। 25 मिनट बाद इसको चेक करेंगे। 25 मिनट हो चुका है, अब हम ब्रेड चेक करेंगे। ब्रेड ट्रे को नीचे उतार देंगे। ब्रेड ट्रे अभी हल्का गर्म है, अब हम इसका ऊपर ढक्कन निकालेंगे। देखिए ब्रेड हमारा तैयार हो चुका है, हम इसको ठंडा होने देंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगा देंगे। अब हल्का गर्म है, ब्रेड हम ट्रे से निकाल देंगे। चारों तरफ चाकू से चारों तरफ ऐसे निकाल देंगे। वो तो अच्छा बना है ब्रेड। ब्रेड अब हल्का गर्म है, मैं इसको पीस बनाकर दिखाती हूँ। ये देखिए कितना बढ़िया बनना है हमारा ब्रेड। ब्रेड तैयार हो चुका है, आप इसको जरूर एक बार घर पर बनाइए, खाइए। अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए।